अच्छा, ये कृष्ण जी का टेम्पल यहाँ पर, तो अगर कोई आना चाहे श्री कृष्ण के टेम्पल में दुबई में तो आ सकता है। गाइस, ये है एरिया दुबई क्रीक का और यहाँ पर है रोलेक्स ट्विन टावर और इसके ठीक सामने चलती है दुबई क्रीक की क्रूज रात में, और ये 3 स्टार 4 स्टार भी हो सकती है और डिनर इंक्लूडेड रहता है और कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स रहते हैं। तो अभी चल रहे हैं भाई लोग के साथ, थोड़ा आगे देखते हैं कि क्या कुछ देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। वैसे दुबई में सिर्फ एक ही टेम्पल है तो उस टेम्पल को हम कवर करने की कोशिश करेंगे आज। तो इस तरफ से हम लोग आबरा लेंगे, आबरा यानी छोटी बोट, और यहाँ पर कुछ शॉप्स यहाँ पर, तो चलते हैं आबरा के अंदर बैठते हैं, आबरा का डाबरा करने। ये छोटी सी बस जो कि क्रीक की तरफ ले जाती है, क्रीक है सामने और यहाँ पर सब लोग बैठ जाते हैं। तो इधर है ओल्ड क्रीक राइट, और न्यू क्रीक किधर है? इसके बाद। अच्छा, इसके बाद न्यू क्रीक आएगा। मतलब यहाँ जब महाशिवरात्रि होती है पूरी लाइन फुल हो जाएगी, पूरा ये जगह पूरा भर जाता है। दिवाली सब पैक। अच्छा, पूरा आगे तक? हाँ, आगे तक। अच्छा, और मंदिर कहाँ है? यही है, अंदर जाना पड़ता है अभी। मंदिर का रास्ता इधर से और इसके अंदर, और इसके अंदर यहाँ से जाना होगा। और तो ये मंदिर फिलहाल कोविड के लिए बंद रखा है इन्होंने, लेकिन ये खुल जाता है। ये कब खुलता है भाई? शाम 6:30 to 7:30। तो कोविड के टाइम अगर आप आ रहे हो तो 6:30 to 7:30 आप आके विजिट कर सकते हो। बाकी उसके अलावा तो ये ओल्ड दुबई काफ़ी अच्छा है देखने में। मैं तो फर्स्ट टाइम आया अपने 7 दिनों के टूर में। ये वाला कौन सा टेंपल है? अच्छा, ये पूरा एकदम शॉप है। अगर फूल अगर बत्ती यहाँ से लेना हो तो यहाँ से आप ले सकते हो। अच्छा, ये टेंपल है कौन से भगवान का? अच्छा, ये कृष्ण जी का टेम्पल यहाँ पर, तो अगर कोई आना चाहे श्री कृष्ण के टेम्पल में दुबई में तो आ सकता है। ये श्री कृष्ण की फ़ोटो, और यहाँ सामने दुकान पे आप अगर कुछ फूल पत्ती माला लेना हो तो ले सकते हो। ये सामने क्या है? अच्छा, ये दुबई म्यूज़ियम है। ये तो अभी बंद है वैसे ना। तो यहाँ पर एक ही बोट खड़ी हुई है। मतलब हर जगह जो यूट्यूबर सब आते हैं, सलमान खान। अच्छा, चलिए इसको डाल देंगे ऐड उसमें। जरूर।
सेकंड फ्लोर। अच्छा जगह है, लोकेशन अच्छा है आपका फिर। बिल्डिंग थोड़ा पुराना है बस। क्या फर्क पड़ता है? मेट्रो स्टेशन किधर है? अच्छा पास में ही है। वो येलो कलर का लाइटिंग जो चल रहा है पूरा बिल्डिंग। अच्छा अच्छा, ये थी छोटी सी वॉक। कहाँ हम लोग वॉक की अभी? अभी अल्फाइदी। अल्फाइदी एरिया पे हैं हम लोग और यहाँ पर हम लोग वॉक करके आए और मंदिर देखे बाहर से, जो कि काफ़ी अच्छा लगा देख के। और इसी के साथ हम इनको धन्यवाद देंगे कि इनके बिना हम शायद इतना अच्छा वॉक न कर पाते। और बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके। थैंक यू। और वीडियोस आएंगे तो आप लोग जरूर देखना और चैनल सब्सक्राइब आप लोग भी करना, और आप भी देख रहे हो तो आप भी करना। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करो। क्या जी फिर से? लाइक और सब्सक्राइब करो। ओके थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय। गुड नाइट। तो ये रही शॉप अल उस्ताद स्पेशल कबाब की। यहाँ के कबाब बहुत फेमस हैं और अंदर पूरा लाइन से फोटोज लगी हुई है कि कौन घूमने आया है, कौन यहाँ पर क्या करना है। तो काफ़ी अच्छा है ये। इस समय मैं हूँ अल-फ़हीदी मेट्रो स्टेशन, जिसका नाम हो गया है शराफ डीजे, और जाना है हमें बुर्जुमान तक। रात के बज रहे हैं 2 और 14th फ्लोर से नज़ारा है कुछ ऐसा।